हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th ज्योग्राफी। आज से हम क्लास 11th की ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, और इससे पहले हम ज्योग्राफी की शुरुआत करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे माय वार्म विशेस टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी की। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th में अब एनसीईआरटी वाली ज्योग्राफी चलेंगी, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कौन कौन सी बुक हैं। दो बुकें मैंने बताया था, तो दोनों बुक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं इसका मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको कल उसके बारे में बताया था। तो उसको देखें, उसमें समझें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। हम दोनों बुक को कवर करेंगे। 30% सिलेबस कम हुआ है तो उसको भी हम कवर कराएंगे। हालांकि जो अपने 30% कम हुआ है, जो बच्चे सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने, मतलब 11th की, उसको ना पढ़ें। बाकी बाद में मैं 30% कवर कराऊंगा, क्योंकि आर्ट्स लेने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है कि ताकि हम सिविल सर्विसेज और बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। आज से पहला लेक्चर है, स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज हो सकता है मैं आपको पहले बेसिक्स कराऊं, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पता है बिना बेसिक्स के आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं उम्मीद करके चलता हूं आपको ज्योग्राफी की बहुत सारी चीजें नहीं आती, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपको आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती हैं तब भी वेल एंड गुड, क्योंकि अब हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। कुछ बेसिक्स मुझे जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहीं की वहीं मैं कवर करा दूंगा, कुछ अभी मैं बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ज्योग्राफी वर्ड पर ही डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी, इसको हिंदी भाषा में हम क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा में इसको हम बोलते हैं भूगोल। भूगोल, ठीक है, भू मतलब पृथ्वी के बारे में हम बोलते, आपको जानते हैं भू का मतलब होता है, भू मतलब पृथ्वी। ठीक है, तो भूगोल कहते हैं। तो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी जो ये वर्ड है, ज्योग्राफी जो ये वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, ये है इंग्लिश वर्ड। कैसा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड। अब ये इंग्लिश वर्ड कहाँ से आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये लिया गया है, या ये जो इंस्पायर्ड है कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये ग्रीक वर्ड था, एक ग्रीक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है क्या, ज्योग्राफिया। इस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है, ज्योग्राफिया, हो सकता है ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया। तो ये जो आपको जो आज की डेट में हम ज्योग्राफी शब्द देखते हैं, ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है, उस शब्द का नाम क्या है, ज्योग्राफिया। तो ज्योग्राफिया शब्द से ये वर्ड लिया गया है, कौन सा वर्ड लिया गया है, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफिया का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब पृथ्वी के बारे में जानकारी। तो ज्योग्राफी मल्टीमीडिया हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ से संबंधित जो भी चीजें उसके बारे में पढ़ते हैं। अर्थ में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको जैसे हम पढ़ते हैं अर्थ में, हमने मेजर डोमेन्स पढ़े हैं जैसे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, इन सब से संबंधित। साथ ही साथ में अर्थ में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, अर्थ में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एक तो हम उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी लाइफ का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का आपस में मतलब इंटरेक्शन है, आपस में इन सब चीज़ों का क्या है, रिलेशन है। तो उन सब चीज़ों के बारे में किस में हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी का जो मैंने बताया वर्ड किस वर्ड से लिया गया, ज्योग्राफी वर्ड ये लिया गया ग्रीक भाषा का एक शब्द जिसका नाम है ज्योग्राफिया, और ज्योग्राफिया का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बारे में विवरण या पृथ्वी की जानकारी। तो पृथ्वी की जानकारी अगर हमें हासिल करनी है तो हम किस सब्जेक्ट में कर दें, ज्योग्राफी। तो आपको मजा आएगा कि पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको ज्योग्राफी के अंदर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहली बात तो रही ये। अच्छा, ज्योग्राफिया शब्द को इस्तेमाल करने वाले, ध्यान रखना है, ये जो ज्योग्राफिया वर्ड है इसको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था एक ज्योग्राफी के ही, ध्यान देना, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरेटोस्थनीज। क्या बोलते हैं उनको, एरेटोस्थनीज। तो ध्यान देना, एरेटोस्थनीज, ये थोड़ा वर्ड एक बार प्रोनाउंस करने में थोड़ा ऐसा हो सकता है, या इसको अच्छी तरह से माइंड में सेट करना। ये जो ज्योग्राफिया वर्ड है इसको यूज किया था सबसे पहले, किसने यूज किया था, एरेटोस्थनीज, एरेटोस्थनीज ने इसको सबसे पहले यूज किया था। किस वर्ड को,
ज्योग्राफिया वर्ड को सबसे पहले इन्होंने यूज किया था, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो हमारे थिंकर हैं एरेटोस्थनीज, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि ज्योग्राफी के फादर कौन है, तो आपको बताना है एरेटोस्थनीज। और यही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किस शब्द को इस्तेमाल किया था, ग्रीक वर्ड ज्योग्राफिया को इस्तेमाल किया था। और ज्योग्राफी हमारा कैसा वर्ड है, ज्योग्राफी हमारा कैसा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ज्योग्राफिया का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बारे में जानकारी। तो ज्योग्राफी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये एरेटोस्थनीज थे, ये किस कंट्री के थे? तो ये थे ग्रीस। तो ये ग्रीक स्कॉलर थे। कौन थे? ग्रीक स्कॉलर, मतलब ग्रीक के विद्वान थे। ये चीज ध्यान रखना, स्कॉलर बोल लो या इनको बोल सकते हैं ग्रीक थिंकर। ग्रीक के क्या थे? ग्रीक के थिंकर थे, विचारक थे, ठीक है। तो थिंकर भी बोल सकते हैं, स्कॉलर भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, एरेटोस्थनीज कौन थे? ग्रीक स्कॉलर थे, थिंकर थे। तो ये तो रही इसके बारे में सामान्य सी जानकारी, किसके बारे में, ज्योग्राफी वर्ड के बारे में। और या हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एक साइंस है। ज्योग्राफी क्या है? ये एक साइंस है। किसकी साइंस है? अर्थ की साइंस है, पृथ्वी के बारे में, मतलब ये चीजें बता दी है तो अर्थ की साइंस है। तो ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ, ज्योग्राफी इज ए साइंस ऑफ अर्थ सरफेस। हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी अर्थ के सरफेस पे जो भी है उसके बारे में जानना, अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी चीज़ है उसके बारे में जानना, उन सब चीज़ों की क्या है, विज्ञान है। क्या चीज़? ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो किसके बारे में आपको याद रखनी है, ज्योग्राफी के बारे में याद रखनी है अभी। अच्छा, और ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफी वर्ड का भी ऐसे इसको ब्रेक करके देखें, ज्योग्राफी वर्ड को भी अगर हम ब्रेक करके देखें, जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो किसका डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो इतना सा ध्यान रखना, ज्योग्राफी का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। और डिस्क्रिप्शन का मतलब विवरण भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। किसके अंदर अध्ययन करते हैं? ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि ज्योग्राफी जो वर्ड है इसमें दो वर्ड हो गए, जियो प्लस ग्राफी, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और जियो का मतलब होता है अर्थ और डिस्क्रिप्शन का मतलब है उसका स्टडी करना या इसके बारे में जानना। तो ज्योग्राफी में अल्टीमेटली यहाँ पे एक वर्ड बार बार निकल के आ रहा है, अर्थ कॉमन निकल के आ रहा है। तो हम ज़्यादातर किस पे फोकस करते हैं? अर्थ पर फोकस करते हैं। अर्थ पर पाए जाने वाले बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, लैंडस्केप्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ। अर्थ पर पाए जाने वाले बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में भी इस पर डिस्कस करते हैं। अर्थ में होने वाले बहुत सारे हलचल, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत सारे आसपास की एटमोस्फेरिक एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। एज वेल एज इनका ह्यूमन लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी किसमें हम स्टडी करते हैं? ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका टॉपिक का नाम है अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को स्टडी करने की अप्रोच, कितने तरीके से हम ज्योग्राफी की स्टडी कर सकते हैं। अब ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ज्योग्राफी में कई सारे फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे ज्योग्राफी में रेनफॉल हो गया, ज्योग्राफी में वेजिटेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गई, ठीक है। इन सब चीज़ ये क्या है? ज्योग्राफी के कई सारे फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफी के कई सारे क्या हैं? फैक्टर हैं। तो इनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं? तो स्टडी करने के लिए कुछ अप्रोच दी गई हैं। तो कुछ ज्योग्राफर्स हैं, उन्होंने अप्रोच डेवलप किए हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी में स्टडी करने की दो अप्रोच हैं। कितनी अप्रोच हैं? दो। पहली है सिस्टमेटिक अप्रोच और दूसरी है रीजनल अप्रोच। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना, चैप्टर्स आएंगे, तो आपके फटाफट माइंड में चला जाएगा कि इस चैप्टर में हम किस तरीके से कौन सी अप्रोच अपनाई गई है, यहाँ पे जो पढ़ाई की जा रही है, यहाँ पर चैप्टर को जो बताया जा रहा है किस अप्रोच के थ्रू बताया जा रहा है। तो ज्योग्राफी में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, मैंने जैसे काफ़ी नाम लिए, जैसे क्लाइमेट हो गया, मिनरल्स हो गए, रेनफॉल हो गई, सॉइल, वेजिटेशन और किसी भी जगह की फिजियोग्राफी, तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं। तो उनको स्टडी करने की क्या है, कई सारी अप्रोच हैं। तो पहली अप्रोच कौन सी है? सिस्टमेटिक अप्रोच, और दूसरी है रीजनल अप्रोच।
तो पहली बात तो ये अप्रोच है क्या, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे ये कई सारे फैक्टर बताए, ये भी फैक्टर सेम ही है। तो अब सुनो, सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच में क्या अंतर है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या है, कोई एक फैक्टर को, कोई एक फैक्टर मान लो क्लाइमेट ले लिया, तो कोई एक फैक्टर को बड़े लेवल पर क्या की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है। मान लो क्लाइमेट ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बड़े लेवल पर स्टडी का मतलब क्या, होल वर्ल्ड का क्लाइमेट। तो हम कह सकते हैं क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट स्टडी करना। यहाँ पे फैक्टर एक है मगर एरिया क्या है, लार्ज। तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, या उस अप्रोच को क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक अप्रोच। क्या किया जाता है, एक फैक्टर को लेकर होल अर्थ की स्टडी करना, किसके अंदर आता है ये, सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर आता है, तो ध्यान रखना। अब दूसरा फैक्टर ले लेते हैं, जैसे मान लो वेजिटेशन, तो वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में कहां कहां पर किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहां कहां पर किस टाइप का क्लाइमेट, रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड या रेनफॉल इन होल वर्ल्ड या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में कहां कहां पर कैसा कैसा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, जगह ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर एक फैक्टर को लेकर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कहीं पर ज्यादा होगी कोई चीज, कहीं पर कम होगी। फैक्टर एक है मगर स्टडी कहां पर कर रहे हैं, बहुत बड़े एरिया में बड़े लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। तो ये वाली अप्रोच क्या कहलाती है, सिस्टमेटिक अप्रोच, जहां पर एक ही फैक्टर को होल अर्थ के लेवल पर क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच को डेवलप करने वाले एक ज्योग्राफर थे जर्मनी के, जर्मनी के लोगों को क्या बोलते हैं, जर्मन। इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं, इंडियन। तो जर्मनी के एक ज्योग्राफर थे, तो ज्योग्राफी की जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफर। ध्यान देना, ज्योग्राफर बोला जाता है जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं। तो एक जर्मन ज्योग्राफर है जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिस्टमेटिक अप्रोच देने वाले जर्मन ज्योग्राफर का नाम क्या है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, याद रखना है आपको। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या की जाती है, होल अर्थ, पूरी की पूरी पृथ्वी की एक ही बार में एक फैक्टर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और यहाँ पर एक फिनोमिना, फिनो मतलब घटना या कोई भी पॉइंट, एक फिनोमिना या एक फैक्टर की एक ही बार में स्टडी की जाती है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे वेजिटेशन ले ली तो पूरे वर्ल्ड में वेजिटेशन की स्टडी, क्लाइमेट अगर फैक्टर लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट का मतलब सिस्टम क्या है, रेनफॉल ले ली तो पूरे वर्ल्ड में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सॉइल ले ली तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती हैं, मिनरल्स ले लिए तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, किस देश में ज़्यादा पाए जाते हैं, किस देश में कम पाए जाते हैं, डेजर्ट ले लिए तो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर डेजर्ट हैं। कोई भी एक फैक्टर ले लो, बड़े लेवल पर अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये वाली अप्रोच कौन सी है, सिस्टमेटिक अप्रोच। अच्छा भी है, सही भी है भाई। जब आप पूरे वर्ल्ड में किसी एक फैक्टर को आप स्टडी करोगे तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर आपको पूरा की पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। तो कोई चीज़ ज़्यादा होने के उसके अलग ही एडवांटेज होते हैं और कम होने के अलग ही एडवांटेज होते हैं। तो मतलब ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरी अप्रोच है हमारी रीजनल, रीजनल मतलब क्षेत्रीय। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा किसी रीजन की हम स्टडी करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कार्ल रिटर के द्वारा। किसके द्वारा, कार्ल रिटर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसको, रीजनल अप्रोच। किसकी अप्रोच है, ज्योग्राफी को स्टडी करने की अप्रोच है, ठीक है। ये भी कौन थे, जर्मन ज्योग्राफर थे और जो हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं इसी के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब इसी के साथ इन्हीं के टाइम के थे। कौन थे, कार्ल रिटर, जिन्होंने कौन सी अप्रोच दी, रीजनल अप्रोच। अब रीजनल अप्रोच में क्या होता है, कई सारे फैक्टर्स या ज़्यादातर फैक्टर्स की स्टडी की जाती है छोटे लेवल पर, एक जगह, मतलब जैसे एक जगह ले ली, हमने राजस्थान ले लिया, तो राजस्थान में हम क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर्स हैं सबकी एक साथ स्टडी कर डालेंगे। जैसे फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, रेनफॉल इन राजस्थान, राजस्थान में रेनफॉल कहाँ पर कम होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, वेजिटेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान में वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हैं, कहाँ पर कम है, क्लाइमेट ऑफ दी राजस्थान, ठीक है। मतलब एक ही बार में, यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर कोई एक फैक्टर एक बार में ले रहे हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पर स्टडी की जा रही है सिस्टमेटिक अप्रोच में। यहाँ पर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी किसी एक प्लेस, प्लेस मतलब राजस्थान, वहां पर उनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। मतलब ऑल फैक्टर्स को लेकर किसी एक प्लेस या रीजन की स्टडी की जाती है कंप्लीटली। तो यहां पर किसी एक क्षेत्र का आधार कार्ड बना दिया था, यूं समझ लो राजस्थान ले लिया या पूरा इंडिया ले लो, ठीक है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स कितने पाए जाते हैं, रेनफॉल कैसी कैसी होती है, सॉइल्स कैसी कैसी होती है, वेजिटेशन कैसी होती है, और इंडिया की फिजियोग्राफी कैसी है, इंडिया की
फिजियोग्राफी कैसी है, फिजियोग्राफी मतलब इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बारे में स्टडी करना। या फिर दूसरा कंट्री ले लो, चाइना ले लिया, ठीक है, दूसरा स्टेट ले लो, तो यहाँ पर कोई छोटा एक छोटी जगह ले लेंगे और उसकी सारे के सारे फैक्टर्स को हम एक साथ स्टडी करते हैं। और ये वाली अप्रोच कैसी कहलाती है, रीजनल अप्रोच। तो यहाँ पर एरिया क्या हो गया, कम, मगर फैक्टर्स सारे स्टडी करें। अब भाई एरिया भी कम है तो सिंपल सी बात है, एक को स्टडी करने का कोई मतलब नहीं, तो एक साथ सारे के सारे क्या कर लेते हैं, स्टडी कर ली जाती है। तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी को स्टडी करने की दो अप्रोच हैं, पहली है सिस्टमेटिक अप्रोच, दूसरी है रीजनल अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच को देने वाले ज्योग्राफर कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कहाँ गए हैं, जर्मन ज्योग्राफर। रीजनल अप्रोच को देने वाले ज्योग्राफर कौन है, कार्ल रिटर, कहाँ के हैं, जर्मन ज्योग्राफर हैं। यहाँ पर सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या किया जाता है, कोई एक फैक्टर को लेकर पूरे वर्ल्ड के लेवल पर उसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। और रीजनल अप्रोच में क्या किया जाता है, सारे के सारे फैक्टर्स की, ऑल दी फैक्टर्स की किसी रीजनल लेवल पर या किसी प्लेस की, मतलब किसी प्लेस के या किसी रीजन के सारे फैक्टर्स को एक साथ क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। कौन सी अप्रोच में, रीजनल अप्रोच में। तो आई होप ये दोनों की दोनों अप्रोच आपको समझ में आई होंगी। ध्यान रखना जब भी हम ज्योग्राफी में किसी जगह का किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो इन दोनों की दोनों अप्रोच को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एक काम करो, इसको नोट डाउन करो आप। हाँ तो बच्चों, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा ज्योग्राफी की स्टडी करने की अप्रोच। अब एक टॉपिक हम देखेंगे, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा से, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है एक दो लेक्चर में हम बेसिक ही डिस्कस करें, दो लेक्चर हो जाए, तीन हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहूँगा ये चीज़ वहाँ से सबसे पहले आप देखो। तो एक बार बेसिक चीज़ें देख लेते हैं और सारी बेसिक्स पर, और मैंने बताया था कि जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं की वहीं मैं बता दूंगा। अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि ज्योग्राफी में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी बन जाए और छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। तो मैं अभी एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक्स का, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर कौन कौन से क्षेत्र हैं, बड़े बड़े कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पृथ्वी को, हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ है, ध्यान देना अर्थ को हम पृथ्वी बोलते हैं, यह सब आपको पता ही है, फिर भी अगर पृथ्वी बोलूं तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं है, आपकी मातृभाषा में तो पृथ्वी बोलते हैं, अर्थ को ध्यान रखना। तो अर्थ के बड़े बड़े कौन कौन से डोमेन्स हैं, डोमेन मतलब क्षेत्र, मेजर, अब छोटी मोटी बात नहीं करो, मेजर डोमेन्स। तो पृथ्वी को मोटे मोटे तौर पर देखें तो मेनली इसके तीन डोमेन हैं, कितने डोमेन हैं, वैसे तो चार हैं, पहले हम देखेंगे तीन के बारे में, एक, दो, तीन। पृथ्वी पर मेनली मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं, पहला है एटमॉस्फेयर, क्या है, एटमॉस्फेयर, दूसरा है हाइड्रोस्फेयर, तीसरा है लिथोस्फेयर। और जहां पर एटमॉस्फेयर मिल जाए, हाइड्रोस्फेयर मिल जाए, ये वाली जो जगह है ये कैसी जगह है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हाइड्रोस्फेयर भी मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर भी मिल जाएगा, लिथोस्फेयर भी मिल जाएगा, उस वाली जगह को हम बोलते हैं बायोस्फेयर। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा जी, ये हो जाएगा हमारा बायोस्फेयर, कैसा जोन है बायोस्फेयर, बायोस्फेयर ऐसा जोन है जहाँ पर एटमॉस्फेयर भी मिल जाए, हाइड्रोस्फीयर भी मिल जाए और लिथोस्फीयर भी मिल जाए। अब इनके बारे में समझते हैं, ठीक है, क्या मतलब है। तो पूरी पृथ्वी को आप मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो ये चार चीज़ें आपको दिखाई देंगी, चार डोमेन्स दिखाई देंगे। पहला डोमेन कौन सा है आपका, एटमॉस्फेयर, क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल बोलते हैं, वायु, ऐसा मंडल जहाँ पर क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है, मतलब एयर पाई जाती है। तो ध्यान देना एयर वाली जो जगह है जहाँ पर हवा आपको मिल जाए, ऐसी जगह, मतलब जहाँ पर क्या मिले आपको, हवा मिले। अब आपको पता है जब हम एयर का कंपोजिशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें पता चलेगा, जब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर क्या है, एयर की जो आपके आसपास जो ब्लैंकेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हवा की जो आसपास हमारी जो चादर है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसमें एयर में आपको पता है बहुत सारी गैसेस होती हैं, अभी उस पर हम नहीं जा रहे। जैसे आपको पता है एयर में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो कौन सी होती है, 78% हमारी नाइट्रोजन होती है, 21% हमारी ऑक्सीजन होती है, रिमेनिंग 1% में सारी की सारी गैसेस आ जाती हैं, जिसमें CO2 प्लस बाकी जितनी भी गैसेस हैं किस में आ जाएंगी, 1% में आ जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह कि जो गैस वाला जो एरिया है, हवा वाला जो एरिया है, हवा वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी का, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
ठीक है, एक चीज़ के लिए। तो हवा वाला जितना भी एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, एटमोसफियर, एयर वाला। इसकी डेफिनेशन भी क्या है वो हम बाद में जाएंगे। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस क्या कहलाती है, एटमोसफियर कहलाती है। पृथ्वी के चारों तरफ हवा की जो चादर है, ब्लैंकेट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमोसफियर। तो हवा वाला जो रीजन है उसको हमेशा क्या बोलेंगे, एटमोसफियर। हमारे हवाई जहाज किस में उड़ते हैं, एटमोसफेयर। बरसात कहाँ से हो रही है, एटमोसफेयर। मौसम की जो घटनाएं हो रही हैं आपकी, वो भी कहाँ पर हो रही हैं, एटमोसफेयर में हो रही हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा है हाइड्रोस्फेयर। भैया हाइड्रो वर्ड जब भी आ जाए, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर ऐसा रीजन है पृथ्वी का जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पानी पानी मिलेगा। क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। अब पानी किसी भी रूप में मिले, पानी चाहे ओशंस में मिले, पानी चाहे आपकी रिवर्स में मिले, पानी चाहे आपकी लेक्स में मिले, कहीं भी मिल जाए, हर जगह जहां जहां पर आपको पानी दिखाई दे रहा है, वो वाला पृथ्वी का क्षेत्र क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फेयर। और इसको हम बोलते हैं जलमंडल। क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है लिथोस्फेयर। अब आपको पता है पानी में दोनों पानी आ जाएंगे, ध्यान रखना, पानी में आपका सॉल्ट वाटर भी आ जाएगा और कौन सा पानी आ जाएगा, फ्रेश वाटर। कौन सा पानी आ जाएगा, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की परसेंटेज देखें तो लगभग 97 सॉल्ट वाटर को अगर देखें, लगभग 97% पानी कैसा है, सॉल्ट वाटर है, सेलाइन वाटर है, जिसको हम एक और नाम क्या देते हैं, सेलाइन वाटर या सॉल्ट वाटर। पृथ्वी पर आपको पता है ज़्यादातर हमारे पृथ्वी पर महासागर पाए जाते हैं, महासागर मतलब ओशियंस पाए जाते हैं, और ओशियंस का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है। तो 97% लगभग पानी कैसा पाया जाता है, सॉल्टी, और रिमेनिंग 3% कैसा पाया जाता है, लगभग 3% हमारा पाया जाता है फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पर मिलता है, हमारी रिवर्स में मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है, ठीक है। ये कैसा होता है, फ्रेश वाटर। और जो रेनफॉल का पानी भी होता है वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर। तो पानी वाला पृथ्वी का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो जब भी वर्ड हाइड्रोस्फीयर आपको सुनाई दे, क्लिक करे, तो आप फटाफट माइंड में आपके मानी चाहिए, हाइड्रो मतलब पानी, तो हम पृथ्वी के उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। हवा की बात करें तो हम पृथ्वी के उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर क्या पाई जाती है, गैसेस पाई जाती हैं, हवा मतलब पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर हो गया। तीसरा है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, ठीक है। अब सबकी हिंदी में नहीं लिखा पाऊंगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मतलब लिखा सकूं कुछ चीज़ों की, क्योंकि आपको पता है मातृभाषा में जो चीज़ें समझ में आती हैं। और बायोस्फीयर को हम बोलते हैं शायद जीव मंडल, कुछ हिंदी में मिस्टेक हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। तो बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल, फिलहाल तो हम स्थल मंडल की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, स्थल मंडल में दो चीज़ आती हैं, या लिथोस्फीयर में क्या आता है, नंबर एक, हमारे आसपास जो लैंड है। अब आपको पता है पृथ्वी पर, अब पृथ्वी की हम बात करें, अर्थ की हम पूरी की बात करें, तो पृथ्वी पर आपने पढ़ा होगा लगभग लगभग मोटे मोटे अगर तरीके से देखें, 70% तो क्या है आपको, पानी पानी मिल जाएगा लगभग लगभग, और 30% में क्या मिल जाएगा, आपको लैंड मिल जाएगी। तो पृथ्वी का जो लगभग लगभग 70% एरिया है उस पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, और 30% जो एरिया है उस पर क्या पाई जाती है, जमीन पाई जाती है, लैंड सरफेस पाई जाती है। चूंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, बिकॉज अर्थ पर बहुत सारा वाटर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। आई एम श्योर ये छोटी छोटी चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ ली होंगी, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिथोस्फीयर कौन सा पार्ट है, लैंड वाला पार्ट, जहाँ पर जमीन पाई जाए, जहाँ पर आपको रॉक्स मिल जाएँ, ठीक है। पानी के अलावा जो भी चीज़ मिले, पानी और हवा के अलावा, वो किस में आ जाएगी, और मतलब लैंड में आ जाएगी। और ज़मीन में आपको पता है रॉक्स भी आ जाती हैं, चट्टानें भी आ जाती हैं, रॉक्स भी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, रॉक्स भी दे रखी हैं हमारे, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो जितने भी माउंटेन्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे, लिथोस्फीयर का पार्ट है, स्थल मंडल का पार्ट है, पृथ्वी की क्रस्ट। अब जैसे हम अर्थ को स्टडी करते हैं, आपने देखा होगा ये अपनी ये क्या हो गई, अर्थ हो गई। अर्थ में क्या हो गया, सेंटर वाला पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, इसके मिडिल वाला पार्ट होता है उसको मेंटल बोलते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है क्रस्ट बोलते हैं। तो जो सॉलिड पार्ट है पृथ्वी का, कैसा पार्ट, सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है, जहां पर आपको क्या मिलेगी, लैंड, रॉक्स, ये सारी चीजें मिलेंगी।
ठीक है। लिथोस्फीयर में एक वर्ड आता है लिथोस, लिथोस्फीयर में एक वर्ड है लिथोस, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। क्या होता है? स्टोन मतलब सॉलिड चीज है, पत्थर है, तो पत्थर किसका पार्ट होगा? लिथोस का। दूसरा एटमोस्फीयर, एटमोस्फीयर में एक वर्ड आ रहा है एटमोस। क्या आ रहा है? एटमोस। एटमोस का मतलब होता है वेपर। क्या होता है? वेपर। और वेपर भी क्या है? गैस है, ठीक है। तो हमारे आसपास क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर भी होती है ना गैस। और एक वर्ड हो गया लिथोस, हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रो में एक वर्ड आ रहा है हुड्रो या हुडोर, हुडोर, हुडोर का मतलब होता है पानी, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं, इसके ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है इनके बारे में भी। अच्छा, अब एक स्फीयर तो हमारा रह गया, कौन सा स्फीयर रह गया? मैंने अभी तक क्या बताया? हमारी पृथ्वी जो है इस पर मेनली चार डोमेन्स हैं। पृथ्वी के कितने डोमेन्स हैं? चार। पहला हमने कौन सा देखा? एटमोस्फीयर, जो एयर वाला पार्ट है पृथ्वी का, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फीयर। और ध्यान रखना एटमोस्फीयर में पांच लेयर्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पांच लेयर्स भी पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्जोस्फीयर, उनके बारे में बाद में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और एटमोस्फीयर के बाद हमने देखा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी का वह पार्ट है जहाँ पर क्या पाई जाता है? पानी, पानी पाया जाता है। पानी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और तीसरा पार्ट हमने क्या देखा? लिथोस्फीयर। सॉलिड जो पार्ट है पृथ्वी का उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। तो अर्थ की क्रस्ट, क्रस्ट जो ऊपर वाला पृथ्वी का पार्ट है अर्थ का, उसको भी, ये भी किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? तो जितना भी सॉलिड पार्ट है, अंदर भी जो सॉलिड पार्ट है वो भी किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का पार्ट है। अच्छा, जहां पर तीनों चीज मिल जाए, जहां पर आपको एटमोस्फीयर भी मिल जाए, हाइड्रोस्फीयर भी मिल जाए, लिथोस्फीयर भी मिल जाए, तो वहां पे आपको मिलेगा बायोस्फीयर। क्या मिलेगा? बायोस्फीयर। या बायोस्फीयर पृथ्वी का वह पार्ट है, बायोस्फीयर पृथ्वी का वह पार्ट है जहां पर आपको लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज मिल जाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ध्यान रखना बायोस्फीयर पृथ्वी का वह नैरो जोन होता है जहां पर आपको तीनों चीज मिलेंगे, लैंड भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा और एयर भी मिलेगी। और जहां पर हवा मिल जाए, पानी मिल जाए और जमीन मिल जाए, वहां पर आपको देखने को मिलेगी क्या? लाइफ। क्या देखने को मिल जाएगी? लाइफ देखने को मिल जाएगी। आपको पता है बायो में बायो वर्ड आ रहा है, बायोज का मतलब भी क्या होता है? लाइफ होता है। और लाइफ में दोनों चीज आ जाएंगे, इसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएंगे? एनिमल्स। क्या आ जाएंगे? एनिमल्स। तो समझ लो हमारे आसपास जहां जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। अब सोचो हम जहां पर रह रहे हैं, हमारे लिए हवा अवेलेबल है, कहां से आ रही है? एटमोस्फीयर से। हमारे लिए पानी अवेलेबल है, कहां से आ रहा है? हाइड्रोस्फीयर से। और हमारे लिए जमीन भी अवेलेबल है रहने के लिए, वो किसका पार्ट है? लिथोस्फीयर का। और जहां पर ये तीनों चीज मिल जाए वो चीज क्या कहलाती है? बायोस्फीयर। तो ये एनवायरमेंट के चार कंपोनेंट बोल लो या पृथ्वी के चार मेजर डोमेन्स बोल लो, ये ज्योग्राफी की जान है, इसी चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कभी हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, कभी हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, कभी हम एटमोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और कभी हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपकी सिमट के रह जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी के चार बड़े बड़े क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र पृथ्वी का ऐसा है जहाँ पर पानी पानी पाया जाता है, वाटर ही वाटर पाया जाता है, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एक पृथ्वी का रीजन ऐसा है जहाँ पर आपको एयर मिलेगी, हवा मिलेगी, उस वाले पार्ट को हम पृथ्वी को क्या बोलते हैं? एटमोस्फीयर बोलते हैं। एक रीजन पृथ्वी का ऐसा है जहाँ पर आपको सॉलिड पार्ट मिलेगा, रॉक्स मिलेंगे, सॉइल मिलेगी, लैंड मिलेगी, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। और एक पार्ट ऐसा है जहां पर आपको लैंड भी मिलेगी, एयर भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। और बायो वर्ड जब भी आपको आ जाए, ध्यान देना, जब भी बायो वर्ड आपके सामने आ जाए तो बायो का मतलब दोनों चीजें आ जाएंगी, इसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे और क्या आ जाएगा? एनिमल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर पृथ्वी का वह पार्ट होता है, हाँ वह पार्ट होता है जहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, जहां पर आपको प्लांट्स भी मिलेंगे और एनिमल्स भी मिलेंगे। और बायोस्फीयर जब वह पार्ट होता है अर्थ का जहां पर आपको ये तीन चीजें भी मिलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जीव मंडल बोल लो या जैव मंडल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई एम श्योर आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और थोड़ा देखें, देखो हाइड्रोस्फीयर है, इसी में हम ओशियंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी में हम ओशियंस में पांच ओशियंस हैं, आपको बताएं, कमेंट करके पांच ओशियंस के नाम बताओ। लिथोस्फीयर में इसमें हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉन्टिनेंट्स,
महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं, कमेंट करके बताओ। दो क्वेश्चन मैं आज के लिए आपको दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, पांच के पांच ओशंस के नाम कमेंट करके बताओ, ठीक है। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन, सात हमारे कॉन्टिनेंट्स उनके नाम बताने, सबसे बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, और इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको देना है। चलो इंडिया का तो बता दोगे, एक कंट्री और दे देता हूँ, उस कंट्री का भी आपको बताओ, ठीक है। एक कंट्री है आपका, चलो साउथ अफ्रीका, ये तो बता दोगे आप, है ना। एक और कंट्री लेते हैं, कॉन्गो, कॉन्गो कंट्री बताना है किस कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन है आपको, मैं क्वेश्चन दिया करूंगा, ये आपको कमेंट करके बताने हैं, और ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में ध्यान देना। जो भी बच्चे हैं, स्पेशली मिलेनियम पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो क्लासेस चलाई जा रही है, ध्यान रखना कि आपको जितना भी यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं वो कॉपी में नोट डाउन कर लिए, और यहीं पर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ के साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट नोट्स। पहले आप चीज़ों को समझो, यहाँ पे जो चीज़ कराई जा रही है उसको 100% कॉपी में लिखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगी, बेसिक्स आपको करना है, और देखना ज्योग्राफी में आपको मज़ा आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, नंबर आपके पास अवेलेबल है ही, ठीक है। तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमने क्या डिस्कस किए, हमने डिस्कस किए अर्थ के मेजर डोमेन्स, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में क्या स्टडी करते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो आई एम श्योर ये चारों की चारों चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्योग्राफी में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं, यूँ समझ लो गहराई में उतरने वाले हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे भी अभी एक दो वीडियोज और आएंगे जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको एक बार बेसिक्स आ गए ना, वो चीज़ मुझे पता है पूरी, फिर आप स्टार्टिंग में बेसिक्स कर लिए तो समझ लो पूरी की पूरी बुक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बेसिक्स को ऐसे समझो कि हमारा जो मकान होता है, हमारी जो बिल्डिंग होती है, उसमें नीचे क्या किया जाता है पता है आपको, नींव भरी जाती है। नींव भरी जाती मतलब फाउंडेशन बनाया जाता है उसका। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता है बिल्डिंग कभी गिर नहीं सकती, अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो आपको ऐसा फाउंडेशन तैयार करना है कि ज्योग्राफी में दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। तो हम दोनों मिलकर आप भी मिलेंगे, और मिलकर मतलब शानदार ज्योग्राफी का फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।